टिकट टिकट देना फिर क्या हो गया? अरे चलो ना, और उसका बहुत हो गया, 3 साल का हो गया, टिकट तो लेना ही पड़ेगा। वो सिर्फ फिल्म देखने के लिए है, बस में हाफ टिकट है ना, उसके लिए वो काफी है। हेलो, मेरी बात टिकट टिकट। हाँ, कहाँ जाना है आपको? अरे ये क्या अम्मा, 1000 रुपए का नोट दे दिया, छुट्टा नहीं है क्या? मैं किधर जाऊँ इसके लिए? 10,000 का नोट है तो दे दो ना, 1000 का नोट क्यों दे रही हो? 10 का नोट नहीं है। अब मैं कहाँ से लाऊंगा छुट्टा? बस में जाना है तो छुट्टा रखना ही पड़ेगा ना। अब आप ही बताओ मैं कहाँ से लाऊंगा छुट्टा? इतनी बड़ी बस है और छुट्टा नहीं है तेरे पास? अम्मा 10 रुपए भी नहीं है आपके पास? मेरे पास, बोल दिया ना, इस बस में किसी और से मांग कर तो देखो। अरे 1000 का छुट्टा है क्या किसी के पास? एक कंडक्टर तू खुद क्यों नहीं देता था? इन्हें 10 रुपए आप उतर कर दे देना। ठीक है, दे दूंगी। हाँ हाँ, अपने वार्ड के टॉयलेट के बारे में पूछ रहे हो ना? अरे वो मैं बना दूंगा ना, मैं कल कोल्हापुर जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता था अपनी पार्टी आज जरूर हार जाएगी। और सुनो, जो सीट पक्की थी वो लोग ग्रुप बनाकर इसे हार गए। अगर ये सीट मुझे दिया होता तो मैं जरूर जीत जाता। अब देखा नतीजा क्या हुआ, मेरा नाम खराब कर दिया। सबको पता है तुम्हारा पंचायत का नाम। पागल कहीं से। अच्छा हुआ भीड़ कम है, कितना गर्म हो रहा है। और 2 स्टॉप के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स चढ़ेंगे, तब गर्मी और बढ़ जाएगी। आज कहीं कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है? कितने दिन से मैं आपसे यही कह रही हूँ, शानी की मम्मी का ऑपरेशन है, स्कूल में सब लोगों ने मदद की लेकिन सिर्फ मैंने नहीं की। बीस तारीख को स्कूल से फंड्स ट्रांसफर किए जाएंगे। 20 तारीख परसों, कितना देना है? आप फिर से भूल गए ना, सब लोग 100, 200 और 300 दे रहे हैं। शानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो कम से कम 500 तो देना ही होगा ना। कल कैसे भी करके दे दीजिए ना पापा। हुआ, बहुत खुश लग रहे हो, कुछ मिला है क्या? देखो, अरे ये कहां से मिली? कल रात को चाय की दुकान से उठाई है। हिसाब बाद में कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी 750 रुपए दे दीजिए। ये तो मेरे दुकान की साइकिल है, कल रात को संतोष लेकर गया था, उसी ने बताया कि साइकिल चोरी हो गई है। ये साइकिल वही है। ये वो साइकिल नहीं है, सब साइकिल एक जैसे दिखती है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। चल निकल इधर से, तू उसके बारे में जानता नहीं अभी तक। अच्छों के लिए वो बहुत अच्छा है, अगर तुमने कुछ गलत किया है ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बैंड बजा देगा। आ गया मुंह उठा के। अबे जाना पागल, मेरी साइकिल मुझे ही बेचने आया था। को स्कूल से फंड्स ट्रांसफर किए जाएंगे तो कम से कम 500 तो देना ही होगा ना।
टिकट टिकट, किसी का बाकी है क्या टिकट? क्या देख रहा है? आपका पर्स है? आपको पैसा? पैसा? ओ थैंक यू, बाहर निकला था, मेरा ध्यान ही नहीं था। अरे तो संभाल के रखना। अरे अरे मंदिर है, भगवान मेरी रक्षा करना। हाँ भाई साहब, ये लो अपना टिकट लो, चलो। ठंडा चाहिए। छुट्टा नहीं है, मैं सबको यही देता हूँ। मेरे पास छुट्टा नहीं है, सबको यही देता हूँ। ये 1 रुपए की टॉफी है, अब इसे क्या समझाऊं? गूंगा है ना? ये लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, मेरा नुकसान करवा दिया। ये तो मुझसे भी ज्यादा कंजूस था। सुनो, तुम्हें किसने कहा था क्लीन करो? बोलो, मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मुझे क्या बताओ? मेरी फाइल किधर है? अरे हाथ इधर से। हाँ, क्या बात है, सब ओके है ना? काम नहीं हुआ सर। काम नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तुमने किसे काम पर लगाया था? मेरे दोस्त को, किसी ने सारे पोस्टर फाड़ दिए सर। ये क्या बकवास कर रहे हो? किसी ने फाड़ दिया? अगर काम नहीं कर सकते थे तो काम क्यों लिया? तुम्हें पता है काम कितना जरूरी था? हेलो, बैंक के पास पोस्टर लगाना बहुत जरूरी है। वो जाने दो, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है सर। तुम एक काम करो, तुम बैंक पहुंचो। लॉकर की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हंगामा करो। सर मुझे बहुत काम है। क्या काम है? अगर पोस्टर चिपका देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम तुरंत बैंक पहुंचो और जरूर पहुंचना। ठीक है सर। दिमाग खराब हो गया, गाड़ी को भी अभी खराब होना था। हर चीज उल्टी पुल्टी हो रही है। Damn it. ऑटो ऑटो ऑटो, जा जाके मर जा।
मैंने कह दिया ना मैं सही टाइम पर पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हें बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बात को समझते नहीं हो। सुनो, कल मेरा प्लान खराब हो गया था, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। फोन रखो। मैंने बोला ना मैं पहुंच जाऊंगा, कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? एक बात समझ नहीं आती क्या? अब दोबारा फोन किया तो वहां नहीं आऊंगा, समझ गया? अब फोन रख। अगर इधर एक जज होता तो मुकाबले में मजा आ जाता। क्या जरूरत है, ये सब तो हम ही जज कर लेंगे। सुन, वो गहने तो किसी जरूरी काम से निकाले थे और ऐसा करना मेरे लिए पहली बार नहीं है। वो सब एक साथ वापस नहीं कर सकते। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कल मत आना, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। पहले तो मैनेजर से पूछने के बाद ही तुमसे पूछेंगे। कल का विजिट बिल्कुल नॉर्मल विजिट है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ कहे। ये हेड ऑफिस से एक नॉर्मल विजिट है और उनको उस बात से दूर रखने के लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। सुनो, कल हम चर्चा करेंगे उस डेप्यूटी मैनेजर और उस अकाउंटेंट के नाजायज रिश्ते के बारे में। क्या हुआ, डर गए? वो गीता का हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है और बेवड़ा भी। कल वो सही वक्त पर बैंक पहुंच जाएगा और बाकी का काम वो कर देगा। कल लॉकर चेकिंग नहीं होनी चाहिए, वो मैं संभाल लूंगा। बहुत दिनों से मैं ये काम कर रहा हूँ। अब फोन रख, मुझे पोस्टर भी चिपकाने हैं। सुनो, एक बहुत जरूरी काम है, तुम मत करो, किसी से ये काम करवाओ। उधर जाके खेल, बीच रास्ते में कार चला रहा है। अच्छा, तो तुम आ गए। काम क्या है सर? बस एक छोटा सा काम है, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है। मेरी रोलिंग्स तुम्हें पता है ना, रियल एस्टेट के लिए कैश चाहिए था। जब भी जरूरत होती है मैं अपने पार्टियों के बैंक में रखे गहनों को गिरवी रखवाता हूँ। ये जिसका लॉकर है उसके और मेरे बीच का एडजस्टमेंट है। डेप्यूटी मैनेजर को थोड़ा डाउट है, लेकिन मुझसे डरता है और किसी को नहीं बताएगा। कल हेड ऑफिस से लोग आ रहे हैं, मुझे डाउट है शायद इसी काम के लिए। कल के विजिट के समय उनका ध्यान कहीं और भटकाओ। ये पोस्टर चिपकाने से उनका ध्यान कैसे हटेगा? मैं पक्का तो नहीं कह सकता। अगर बैंक और घर के पास ये पोस्टर लगाएं तो गीता का पति चुप नहीं बैठेगा। बस थोड़ा सा बवाल होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। कितने पोस्टर हैं? ये लगभग 100 होंगे। एक पोस्टर का 2 रुपए होता है, पर मैं 10 दूंगा। आदमी मिल गया? बाहर खड़ा है, अंदर बुलाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो और उससे डील करो, बाकी काम के बाद मिलेंगे। बाकी के पैसों के लिए फिर से आना पड़ेगा क्या? पैसे नहीं चाहिए, मत आओ। काम किए बिना पैसे कैसे दूं? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, जाकर पहले काम करो। काम होने के बाद फोन करना। अरे क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहे ये लोग? मरना चाहता है क्या? गाड़ी दिखती नहीं तुझे? कहां कहां से आ जाते ये बच्चे? आ चलो चलो आगे। आजकल के बच्चे तो बड़े बिंदास्त हैं। अच्छा हुआ ब्रेक टाइम पर लग गया, नहीं तो टिकट कहां जाना है? ओए तुमसे पूछ रहा हूँ। नाका जाना है। नाका जाना है? कौन से नाका जाना है भाई? साकी नाका। साकी नाका जाना है। ए सुन, देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए ना। पिताजी, ये पोस्टर चिपका कर आप कैसे गुजारा कर सकते हैं?
कोई और काम करते हैं। क्यों बेटा, स्कूल में दोस्तों से कहने में शर्म आती है क्या? ये तो अपना काम है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब? इंटरनेट, फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में ये पोस्टर से हमारा काम नहीं चलेगा पिताजी। बेटा, इंडिया में जनसंख्या कितनी है तुम्हें पता है? उसमें अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अच्छा? पता है, सिर्फ 34% लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और जब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी तब तक ये नेता रहेंगे, और जब तक ये नेता रहेंगे तब तक ये पोस्टर चिपकाने का काम चलता ही रहेगा मेरे बेटे, समझे? और जैसे कि तुम कह रहे थे, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले भी फिल्म का पोस्टर तो जरूर देखते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और 25 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब तुम बड़े हो जाओगे ये सब काम मत करना। मैं कोशिश करूँगा। और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाना। काम शुरू करें। बेटा वो गोंद का डिब्बा देना जरा, मैं इधर से शुरू करता हूँ। बेटा वो कौन है? उसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ। हमारे इलाके में नया आदमी लग रहा है। वो क्या पूछ रहा था तुमसे? उसका गोंद का डब्बा नीचे गिर गया, थोड़ा गोंद मांग रहा है। तो उसे इस काम का तजुर्बा नहीं है। मैं उसे गोंद दे दूं क्या? तुम जाकर पोस्टर चिपकाओ ना, वो अपना काम खुद कर लेगा। अगर वो ये काम कर लेगा ना तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, फिर क्या हम पत्थर खाएंगे? थोड़ा दे दीजिए ना। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही करो। इसे मदद करने की पड़ी है। अरे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? ये जाकर वहाँ चिपकाओ। अच्छा है, चला गया, मैं गोंद लेकर आता हूँ, हम उधर जाके चिपकाते हैं। आज के जमाने में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। ये क्या, डेप्यूटी मैनेजर और अकाउंटेंट गीता का नाजायज संबंध? इसके लिए पोस्टर चाहिए क्या? एक अनजान आदमी आकर रात को पोस्टर लगा रहा है, और वो भी काफी पोस्टर। इससे तो दूसरों की नौकरी चली जाएगी। पिताजी, आपने क्या किया? ये हमारी जगह है, यहाँ सिर्फ हम पोस्टर चिपकाते हैं, और वैसे भी वो बहुत घटिया पोस्टर था। हम भी तो गंदी फिल्मों के पोस्टर्स चिपकाते हैं। वो हमारा काम है। तो क्या वो उसका काम नहीं था? उसने भी तो किसी से पैसे लिए होंगे। हो सकता है आज का कमाया पैसा कल के लिए उसे जरूरत पड़े। अब आप भी मत चिपकाओ, नालायक। ये चिपकाने से हमारा गुजारा होता है। तुम पहले अपना काम करो, उसके बाद दूसरों की मदद करो। तुमको 4 टाइम पेट भर के खाना चाहिए ना, पता है वो कहाँ से आता है? चलो 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 चलो, आराम से चढ़ना, आज तो बहुत रंगीन दिख रही हो। सीट खा ली, चलो। रुको रुको, पब्लिक चढ़ रही है, मेरे कहने के बाद ही गाड़ी निकलना। आज चलो चलो जल्दी, आज चलो राइट। ये बोरी जैसी जींस पहनकर कैसे चलती है? कैसा कैसा फैशन आ गया है। हर एक जनरेशन में नया फैशन होता है। 60 साल के आदमी की सोच में और 20 साल की लड़की की सोच में अंतर तो होता है ना। टीनेजर्स से आपको क्या लेना देना, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखिए। ये विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर है। जब मैनेजमेंट ने कॉलेज में कैमरा लगाने का फैसला किया था तो इसने विरोध किया था। ये अब्दुल कलाम की शिष्या है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही जोश। ये जोश नहीं है, समझदारी है। हाँ सुन लिया। आज कौन सी क्लासेस है तुम्हें याद है? फर्स्ट मैथ्स और फिजिक्स और फिर बायोलॉजी की। टिकट टिकट टिकट। कंडक्टर आ गया। टिकट। हाँ तुम दोनों तो स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है। हाँ जू कोलीवाड़ा, जू कोलीवाड़ा। हाँ हाँ आया आया। आज जिसको उतरना है उतर जाइए। चलो जू कोलीवाड़ा आ गया। अब इस बच्चे को आज्ञा दीजिए, ठीक है? ठीक है, जल्दी चलो। अरे हाँ हाँ भाई आ रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चलो उतरो। चलो आ जाओ, आप भी अंदर आ जाओ। चलो ना भाई जल्दी।
तुझ में तो कोई बुरी आदत नहीं है, फिर भी तुम कर्ज में कैसे डूब गए? पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। कई बार लगा तुमसे पूछूं, लेकिन मैं नहीं पूछ पाया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं समझ गया दोस्त, तुम किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते, और अब तुम प्रॉब्लम में हो और तुम्हें मदद की जरूरत है, यही ना? सुदेश, एक बात कहूं दोस्त, ऐसी हालत में मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। यह सब तकदीर का खेल है। 28 उम्र तक वक्त बुरा है, और उसके बाद अच्छा समय है। तो क्या तुम भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हो? रुको 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 रुको, क्या संतोष आजकल दिखते नहीं? भाई थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। तुम तो 1000 एकड़ और 2000 एकड़ की बात करते हो, छोटे मोटे डील पर भी ध्यान दो जरा। हाँ, 2-3 बीघा जमीन का डील जल्दी हो जाता है। तुमने उस दिन जो प्रॉपर्टी दिखाई थी उसके पेपर्स दे दो जरा, उसके लिए खरीदार आया है। मैंने कितनी प्रॉपर्टी दिखाई, एक की भी डील नहीं हुई। तुम तो सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाते हो और फिर उधर से चले जाते हो, तो बताओ डील कौन करेगा? ठीक है जाओ, मैं फोन करता हूँ। चलो भाई। कौन से पेपर्स की बात चल रही थी? हाँ चलो, शायद हो सकता है तुम्हारे दिखाए हुए प्रॉपर्टी का डील ओके कर रहा था, मगर कमीशन मिलते ही तुम्हें भूल जाएगा। मैं अभी आया। May 19। क्या हुआ? 3 लाख देने को तैयार हो गया, सिर्फ चेक काफी नहीं है, जमीन के कागजात रजिस्टर करने होंगे। वो तो तुम दे दोगे ना? दे दूंगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है? कल उसने अपने ऑफिस में बुलाया, हमें जाना है। अगर सब ओके हो गया तो परसों तक कैश मिल जाएगा। अब जाकर जान में जाना है। अब बाकी के 2 लाख अरेंज करना है ना, वो भी कर देंगे। बोर्ड पर क्या देख रहे थे तुम? कल मेरा बर्थडे है। हाँ हाँ। प्यार करते वक्त और शादी के बाद मुझे वो बर्थडे में गिफ्ट देती थी, और मैं उसे दावत। इसका मतलब कल दावत है? शायद वो भूल भी गई होगी, और जब पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है तो उसे दावत कहां से दूंगा मैं? उसे याद भी नहीं दिलाता मैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खुद की कमाई से दावत देने की बात ही कुछ और है, वो अलग ही नशा है। लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक काम करते, प्रेस के मालिक को फिर से मिलते हैं, और 2 लाख चाहिए ना? मेरी शुरुआत वैसे एक प्रेस से हुई थी, और उस समय मेरी बहुत ही बुरी आदतें भी थी। लोग मुझे पैसा देते थे और मैं उन्हें बैच में देता था, लेकिन 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेता था। एक दिन जब मेरा दोस्त मुझे ड्रामा कंपनी को पैसे देने के लिए बोला, तब मैंने एक आदमी का पैसा उठाकर उसे दे दिया। वापस देने की नियत तो थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस कंपनी ने एक भी नाटक नहीं किया, और फिर बैच मैं भरने लगा। बस उस समय से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। जो भी करता था नुकसान होता था। बैच भरने के लिए भी कर्ज लेने लगा। मैं कर्ज में डूब चुका था। उसके बाद से आज तक मैं कर्ज से उभर नहीं पाया। ऐसे वक्त में सब कुछ जानकर भी अनु मेरी जिंदगी में आई। उसकी नौकरी के लिए भी मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे। अभी भी बहुत लोग नहीं जानते थे कि वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी स्कूल टीचर है। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हैं उनके लिए मैं एक धोखेबाज हूं।
और मैं तुम्हारे जैसा नसीब वाला नहीं हूं। सब मेरी गलती थी, मेरी गलती। पता है मुझे आज तक कोई साथ देने वाला नहीं मिला। मैं अकेला हूं। मैं कुंडली में कभी भी विश्वास नहीं करता था। जब मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ तब ज्योतिष का बोर्ड देखते ही मैं उसे मिलने चला जाता था। नाड़ी शास्त्र देखने के लिए मैं कोयंबटूर तक गया। देखा, अभी भी जन्म पत्री जेब में रखकर घूमता हूं। मेरा बुरा वक्त तब खत्म होगा जब मैं 34 साल का होऊंगा। अब क्या करने का सोचा है? प्रेस दोबारा खोलोगे? हे, नहीं, वो प्रेस मेरा नहीं था। और अभी रियल एस्टेट के धंधे में एक भी डील नहीं हुआ है। नासिक में काम आया है और वो काम मेरे रिलेटिव ने अरेंज किया है। एक शाम के अखबार के लिए थोड़ा पढ़ना लिखना बाकी है और मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे। कल 8:30 बजे तैयार रहना। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। चल संभाल के जा। कर्जदारों से ज्यादा डर तब लगता है जब तुम उसके साथ बाइक में जाते हो। स्कूल में बहुत लोग पूछने लगे हैं कि तुम क्यों उसके साथ रहते हो। उसके पीछे बहुत लोग लगे हैं। उसे मारेंगे तो तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हें कुछ हो गया तो। जब मेरा लाखों का कर्जा था तब मेरी मदद करने के लिए कोई दोस्त नहीं आया। पिछले 4 दिन से वो मेरे साथ है। अगर उसके साथ मुझे भी मार पड़ती तो ठीक है, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी फालतू बातें मत करो। काम हुआ क्या? शुक्रवार को पैसे दे पाएंगे ना? कल हमें उसी के लिए बुलाया है, लेकिन उसे जमीन के कागज देने होंगे। उसके लिए भाई भी राजी होना चाहिए ना? भाई राजी हो गया है, क्योंकि अब जितने भी कर्जदार थे वो सब घर आकर माँ और भाई से पैसा मांगने लगे हैं। माँ ने क्या कहा? माँ की हालत बुरी है, वो बहुत दुखी है। जब मैं वहां गया तो एक कर्जदार आया था। उसने कहा तुम्हारी किडनी दे दो और उसे बेचकर मैं अपना पैसा वसूल कर दूंगा। मुझे लगा माँ ने नहीं सुना। वो कर्जदार जाने के बाद मैं जब माँ के कमरे में गया तो माँ जोर जोर से रो रही थी। मैं उसे बिना देखे ही चलाया। तुमने कुछ खाया? मैं नानी के घर भी गया था। उसने मुझे बहुत देर तक अपने पास ही बिठाया। निकलते समय नानी ने मुझे 100 रुपए दिए। मैं मना कर रहा था मगर वो नहीं मानी। और यही नानी दवाई के लिए पैसे मुझसे मांगती थी। बेचारी। मेरी माँ ने भी मुझे फोन किया था, बहुत डांटा। आज इंजेक्शन लेने का दिन था, अगर ट्रीटमेंट रुक गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। अभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बुरी हालत में हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मैं चाय बनाती हूँ। सुदेश बोल, अब मैं करता हूं ना। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऐसे हालत में ये पैसा बहुत काम आएगा। मैं अभी आता हूं। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। नहीं, गाड़ी नहीं लाऊंगा, पेट्रोल ही नहीं है। अच्छा ठीक है। कहाँ जा रहे हो? मैंने चाय बनाई है। मेरे दोस्त ने बुलाया है, एक आदमी से मिलना है, बाकी के पैसे तो चाहिए। इतनी रात में जाना जरूरी है क्या? तुम सो जाओ। अरे कपड़े तो बदल लो, रात का समय है, कोई टेंशन नहीं है। तुम यही रुकना, मैं अभी आया। वो ठीक रहेगा, मैं दिखना नहीं चाहिए।
हेलो, उधर क्या देख रहे हो? मैं साहब से मिलने आया हूँ, वो अंदर है ना। ठीक है, सब काम हो जाएगा। सुनो, हाँ, पहले काम खत्म करो। हाँ ठीक है साहब। दोस्त, तुम इसे चिपका पाओगे? पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब मुझे तुम दे दो, मैं काम कर दूंगा। 1000 रुपया मिलेंगे, 200 रुपये एडवांस मिले, बाकी के पैसे दिला दूंगा। लेकिन जाओगे कैसे? अभी बाइक निकालने गए तो अनु को शक हो जाएगा। एक साइकिल भाड़े से लेते हैं, मुझे कुछ काम है, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अपने सर को तौलिया बांधो, कोई पहचान न पाए। बेटा, थोड़ा सा गोंद दे दो ना, मेरा गोंद नीचे गिर गया है। मैं पिताजी से पूछता हूँ। हाँ। भैया, पिताजी ने कहा गोंद नहीं है। थोड़ा सा तो लेके। हमारे लिए भी कम पड़ रहा, सामने एक चाय की दुकान है, वहाँ पूछिए ना। काम नहीं है क्या? इधर आके चिपकाओ, उधर क्या टाइम पास कर रहे हो? भाई, थोड़ा मैदा और गर्म पानी चाहिए था गोंद बनाने के लिए, मिलेगा? अंदर जाकर आदमी से ले लो। हाँ। साइकिल लेके कोई जा रहा है। हाँ? अरे पकड़ो, पकड़ो उसे। ए, रुको, रुक जाओ। अब क्या करोगे? मेरी साइकिल लेके वो भाग गया। साइकिल तो गई। अरे ये किसने फाड़ दिया? अरे सुन यार, एक बुरी खबर है, किसी ने सारे पोस्टर्स फाड़ दिए। अरे वो गोंद का डिब्बा नीचे गिर गया था, गोंद के लिए मैं दुकान पर भी गया था, और किसी ने वहां से मेरी साइकिल भी चोरी की। अभी तक सोई नहीं तुम? इतनी रात में किससे मिलने गए थे? वो एक दुबई रिटर्न आदमी आया था। ओ। लेकिन काम नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस घर चला आया। ये तुम क्या लिख रही हो? वैकेशन क्लासेस शुरू हो रहे हैं, कल पेरेंट्स के साथ मीटिंग है, मुझे वेलकम स्पीच देने को कहा है। एक छोटी सी मीटिंग की वेलकम स्पीच के लिए इतनी तैयारी? हाँ अनु, किसी भी चीज के लिए तैयारी करना अच्छा होता है। सिर्फ जिंदगी की तैयारी गलत हो गई है ना। ठीक है, तुम दरवाजा लॉक कर दो। तुमने मैनेजर को फोन किया था क्या? मैं भूल गया। अच्छा। कल रात उसने फोन किया था, मैंने फोन नहीं उठाया, अभी फोन करता हूँ। हाँ कॉल करो। हेलो सर। हेलो, सब ओके है ना? नहीं सर, काम नहीं हो पाया। काम नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तुमने किसे काम पर लगाया था? मेरे दोस्त को, उसने चिपकाए थे सर, लेकिन किसी ने फाड़ दिए। तुमने किसे काम पर लगाया था? किसने फाड़ दिए? अगर काम नहीं कर सकते थे तो काम लिया क्यों था? हेलो, बहुत गुस्से में, उसे मिलने से बाकी के पैसे मिल जाएंगे। चलो बैठो, निकलते हैं।
अनु चलता हूँ। ओ फिर से वही मैनेजर। बात तो करो, गलती तो अपनी ही है ना। हेलो सर, तुमको पता था ना कि ये काम कितना जरूरी है, बैंक के पास पोस्टर लगाना जरूरी है। सॉरी सर। तुम तुरंत बैंक पहुंचो, आज लॉकर की चेकिंग नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन बहुत काम है। क्या काम है? अगर पोस्टर चिपका देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम तुरंत बैंक पहुंचो और तुझे जरूर आना पड़ेगा। ठीक है आता हूं। मैंने कहा था ना वो बहुत गुस्से में, अब मुझे तुरंत बैंक जाना होगा। अब क्या करें? मैं बैंक जाकर वापस आता हूं। हमें ऑफिस छूटने से पहले वहां पहुंचना है, मैं बात कर लूंगा। घबराओ मत, 11:30 बजे जंक्शन पे मिलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, बैंक का काम खत्म होते हम वहां से निकल जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, पता नहीं वो बैंक में क्यों बुला रहा है मुझे। तुम बैंक मत आओ, मैं अकेला ही जाता हूँ। ठीक है। क्यों, क्या हुआ, वो क्यों चला गया? अरे उसे कोई काम के लिए बाहर जाना था, थोड़ी देर के बाद जंक्शन में मिलेंगे। तब तो तुम मुझे स्कूल छोड़ दो, आज मुझे जल्दी पहुंचना है। अच्छा ठीक है। सुनो शाम को जल्दी आ जाना, आज खास दिन है, पता है ना आपको? ओह आज 19 मई है ना? आज मेरी जिगरी दोस्त की बरसी है ना? नहीं जी, आज मेरे एक नालायक दोस्त का जन्मदिन भी है। अच्छा सुनो। क्या हुआ? 100 रुपए की नोट मैंने आपके पर्स में रखी है, ज्योतिष के पास मत जाना और पेट्रोल जरूर भरवा लेना। ठीक है। अंदर आ जाओ। तुम करेशन से उठकर आ रहे हो, सही कह रहा हूँ ना? मैं कुछ समझा नहीं। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा वक्त बहुत खराब है। ये तुम्हारी कुंडली है ना? नहीं नहीं ये मेरे दोस्त की है। तब तो मैं खुलकर ही बोलता हूँ। हाँ। नाम है संतोष, श्रवण नक्षत्र, उम्र 30 साल, 8वां दशा में 6ठा भाव है। ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है। क्या मतलब है आपका? उसकी मौत निश्चित है और ये जिस आदमी की कुंडली है वो ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक जिंदा रहेगा। किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी को खुश करने से शायद वो बच जाएगा। मौत से बचने के लिए यही एक उपाय है। Thank you.
भाई गाड़ी रोको। स्टॉप नहीं आया अभी। अरे भाई जल्दी रोको ना। ड्राइवर रुक रहे, क्या हो गया भाई? ने मेरा पॉकेट मार दिया। अपनी जेब बराबर से चेक कर लो, उसी में होगा, देख लो। मैंने सब जगह देखा, नहीं है। आ, काय के लिए पर्स रुकाई? 13,000 रुपए थे उसमें, मैं हॉस्पिटल जा रहा था। शांत हो जाओ, जिसने भी इसकी पर्स चुराई है बिना किसी को बताए गाड़ी के फर्श में रख दो। बेकार में देर करेंगे तो गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी, वहाँ जाना जरूरी है। तो तुम बताओ क्या करें। पुलिस की क्या जरूरत है, हम चोर को ढूंढ लेंगे। ये सब करने की क्या जरूरत है, पुलिस स्टेशन चलो। चलो चलो सीधा पुलिस स्टेशन लेके चलो। हेलो हेलो सुनो। अरे भैया पुलिस स्टेशन ले चलो। हेलो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। I have no time. नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते, सबको चेक करने के बाद ही तुम जा सकते हो। मिस्टर, मैं बैंक में मैनेजर हूँ, मैंने पर्स नहीं लिया, मुझे चोरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं चोर लगता हूँ क्या? तो पुलिस स्टेशन चलो ना। शक्ल देखकर हम किसी के बारे में ऐसा कैसे कुछ कह सकते, गाड़ी तो पुलिस स्टेशन जानी ही चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ। किधर है, इधर आ, पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। मैंने बोला ना मैंने पर्स नहीं लिया, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा तो तू जाना चाहता है, और उसके पर्स का क्या? तुम मेरे रास्ते से हटो। किधर बात कर रहे हो, जाने दो। मैंने बोला ना मैंने पर्स नहीं लिया, मुझे जाने दो। मैनेजर बनता है, पुलिस स्टेशन तुझे चलना ही होगा। अरे मैंने एक बार बोला ना मैंने पर्स नहीं लिया। सब लोग अपना पर्स दिखा रहे, तुझे पर्स दिखाने में क्या प्रॉब्लम है रे? चले, तुम लोग समझते क्यों नहीं मैंने पर्स नहीं लिया। रुक, उसे जाने मत दो, उसी ने पर्स चुराया होगा। मैंने बोला ना मैंने पर्स नहीं लिया, मुझे जाने दो। देखा ना ऐसे ही मार खाएगा। क्या हुआ? लगता है तूने ही पर्स चुराया। चल जल्दी से पर्स निकाल, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं मैंने नहीं लिया। चेक करो। तो तू पुलिस से ही मार खाएगा। सच में नहीं लिया। हेलो हेलो सुनो, प्लीज हेलो, आई हैव नो टाइम, प्लीज आई हैव टू गो। तुम रो क्यों रहे हो? मत रो, तुमने पर्स चुराया है ना? नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? मुझे पिताजी के पास जाना है। कल पिताजी और मेरे बीच में झगड़ा हुआ, पिताजी ने मुझे मारा। कल रात को कुछ नहीं खाया और सुबह भी नहीं, मैं घर से भाग गया। पिताजी को ये बात मालूम नहीं, मेरे पिताजी अच्छे हैं, मुझे घर जाना है, पिताजी को देखना है। पिताजी का नंबर जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। तेरे पिताजी का नाम क्या है? साजन। हेलो हेलो, आप साजन बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। नाटक करता हूँ। नहीं मैं कौन हूँ? हम अभी दरिया वाले रोड पर हैं, आप जल्दी आ जाइए। हाँ अभी आ रहा हूँ। बस सड़क पर खड़ी है। हाँ। और अगर बस जाने लगी तो हम नीचे उतर कर आपका वेट करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्यों मारा? रुको, देखो मेरा पर्स मिल गया, यही बैग में था। अरे उसे मारो मत, अंदर पर्स मिल गया है। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो, पर्स मिल गया है। तो पहले तुम्हें मारना चाहिए था, उस बेचारे को बेकार में मार पड़ रही है। ए, उसे मत मारो यार। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। अब क्या कहते हो तुम लोग? तुम ज्यादा बोल रहे थे इसीलिए मारा। अभी ज्यादा मुंह खोला ना फोड़ दूंगा। ए, सब लोग गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। चलो जल्दी करो, जल्दी उतरो, उतरो। साहब नीचे आ जाओ, चलो। हेलो, अरे भाई साहब, अभी बस का टायर पंचर हुआ है, जल्दी आ जाओ। अब तक दूसरी बस नहीं लेके। हाँ चलिए वैसे ही। ठीक है ठीक है। क्या देख रहा है बे? क्या हुआ? क्या चाहिए? फोन, फोन चोरी हो गया? ओहो, एक का पर्स चोरी हो गया और एक का फोन चोरी हो गया, क्या मुसीबत है। एक काम करो, तुम अंदर जाओ और ढूंढ लो। हाँ तुम अंदर जाओ और खुद ही ढूंढ लो ना। चलो जाओ। सब लोग बस से उतर गए क्या? ओ भाई साहब चलो उतरो। Thank you.
बोला ना मैं पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओ हेलो माता जी, चलो नीचे उतरो, टायर पंचर हो गया है, बस आगे नहीं चलेगी। चलो चलो, सुनाई नहीं देता आपको। रुको 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 पिताजी। बेटा सॉरी पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? जब आपने मुझे मारा तो मुझे बहुत दुख हुआ पिताजी। उस आदमी को मैंने कहीं देखा? हाँ देखा होगा, मगर आगे से ऐसे तुम भाग कर नहीं जाओगे। चलो बैठो ना। तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम चले क्यों नहीं जाते भाई? बस टाइम पास कर रहा हूँ। भाई साहब कोई मदद चाहिए? अनु सुनो, तुम कहाँ हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। क्या हुआ? बहुत मिस कॉल थे। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आखिर हो कहाँ तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बता, तुम्हारी मीटिंग कैसे रही? मैं जल्दी निकल रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, सर चकरा रहा है। मैंने तुम्हें कुछ और कहने के लिए फोन किया था। हाँ तो बोलो ना। किसी ने तुम्हारे दोस्त को पुल के नीचे मार डाला, उसके दोस्त और पुलिस खूनी को ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ ना। उस पुल के नीचे किसी का मर्डर हुआ है, पूरा रोड ब्लॉक है। क्या हुआ, चुप क्यों हो? और वो ब्रोकर सुधाकर है ना, वो आकर 35,000 रुपए देकर गया है। जो प्रॉपर्टी तुमने दिखाई थी वो बिक गई और उसका ये कमीशन है। और भी एक खुश खबर है। तुम जल्दी घर आ जाओ ना, घर आने के बाद बताती हूँ।